प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में अव्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर एक, विकारी शब्द, जैसे रामः, रामौ, रामाः इत्यादि, और नंबर दो, अविकारी शब्द, जैसे शनेह इत्यादि। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, जो शब्द तीनों लिंगों में तथा सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान रहते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख अव्यय निम्नलिखित हैं, जैसे पुरा अर्थात प्राचीन काल में, वाक्य प्रयोग पुरा रामः राजा आसीत्। नूनं निश्चय ही, नूनं सः अद्य आगमिष्यति अर्थात वह आज निश्चय ही आएगा। अद्य आज, अद्य अहम् विद्यालयं नौ गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ह्यः बीता हुआ कल, ह्यः सोमवारः आसीत्, कल सोमवार था। श्वः आने वाला कल, श्वः रविवारः भविष्यति, कल रविवार होंगे। एकदा एक बार, एकदा रामः लक्ष्मणं कथयत, एक बार राम ने लक्ष्मण से कहा। यदा जब, यदा सः आगमिष्यति तदा अहम पठिष्यामि, यदा सः आगमिष्यति जब वह आएगा तब मैं पढ़ूंगा। कदा कब, सः कदा गमिष्यति, तदा तब, तदा सः गृहं गच्छत्। सर्वदा सदा, सः सर्वदा कार्यं करोति। अधुना अब, अधुना वयं पत्रं लिखामि। शीघ्रं जल्दी, देवः शीघ्र कार्यं कुरु। पुनः फिर, सः पुनः पुनः अत्र आगच्छति। च और, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो प्यारे बच्चों, अभी हम सब ने मिलकर के संस्कृत व्याकरण में अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा में शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तथा अव्यय के अंतर्गत अव्यय की परिभाषा, इसके कुछ उदाहरण, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके कुछ और उदाहरण के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।